नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं iOS 12.1 के बारे में। Redmi Note 7 लैवेंडर डिवाइस के लिए ऑफिशियल iOS का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। iOS के साथ जो स्मूथनेस प्लस स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा, प्योर एंड्रॉइड 12.1 का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर iOS 12.1 के साथ। यहाँ पर Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर iOS को किस तरह से इंस्टॉल करते प्लस iOS का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर इस हमके साथ जो है बाई डिफॉल्ट जी एप्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर जी एप्स प्लस वैनिला बिल्ड अवेलेबल है iOS की तरफ से। यहाँ पर लेटेस्ट जो 5th मेगा सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ ये जो अपडेट है अवेलेबल है, तो यहाँ पर 5th मेगा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट को ऐड किया गया है। 4.4 कर्नल के साथ एज बिल्ट है अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर जो है iOS के साथ जो है स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, हमने अपनी सॉम के साथ जो है कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं गीगबेंच 5 के बारे में, तो यहाँ पर जो है 3 to 5 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1 to 2 का स्कोर देने को मिल गया है गीगबेंच 5.4.4 के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से थोड़ा सा कम है, प्लस यहाँ पर मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से थोड़ा सा कम देने को मिल गया है। तो यहाँ पर गीगबेंच 5 के साथ जो है सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ जो है कुछ इस तरह से स्कोर देने को मिलता है। यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर 4.86 का स्कोर देने को मिल गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए ये जो टेस्ट है हमने रन किया था, मैक्स गया है 136, एवरेज है 104, मिनिमम है 82, 72% के आसपास सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। नॉर्मली जो Redmi Note 7 डिवाइस है 140 के आसपास रहता है, तो यहाँ पर मैक्स है 136। तो कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में iOS का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। यहाँ पर वैनिला प्लस GApps दोनों बिल्ड अवेलेबल है। अगर आप GApps बिल्ड को फ्लैश करोगे, आपको अलग से जो है प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऑफिशियल जो iOS का जो बिल्ड है डाउनलोड करो Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर TWR रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और पिच ब्लैक रिकवरी के साथ इस रॉम को इंस्टॉल कर सकते हो Redmi Note 7 डिवाइस के ऊपर। सभी रिकवरी के साथ जो है ये जो रॉम है बूट हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने से पहले सेटिंग्स में आके यहाँ पर जो स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना काफी जरूरी है कस्टम रिकवरी को बूट करने से पहले। तो सिंपली यहाँ पर जो है स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा, फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है इसे रिमूव करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। हम सिंपली आप जो है एडवांस रिबूट के साथ जो है कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं। तो सिंपली आप जो है iOS 12.1 के साथ जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली रिकवरी को बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को। यहाँ पर जो है TWR रिकवरी प्लस पिच ब्लॉक रिकवरी के साथ भी आप इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। कोई भी कस्टम रिकवरी के साथ ये जो रॉम है Redmi Note 7 डिवाइस को बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी को बूट करने के बाद आपको सिंपली जो है पर बैकअप में जाके करंट रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, बाद में अगर आप चाहो तो रिस्टोर कर सकते हो। करंट रॉम का जो बैकअप है क्रिएट करने के बाद सिंपली जो है पर वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद जो है पर डायल्विक डेटा कैश एंड सिस्टम ये चार ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज प्लस वेंडर का जो ऑप्शन है सिलेक्ट मत करना। सिंपली यहाँ पर जो है डायल्विक डेटा कैश एंड सिस्टम ये चार ऑप्शन है सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर जो है स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट डेटा करने से क्या होगा, जो इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट डेटा और एडवांस स्वाइप करना होगा। तो सिंपली एडवांस स्वाइप करने के बाद जो है यहाँ पर एडवांस स्वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। सिंपली डायल्विक डेटा कैश सिस्टम में चार ऑप्शन को सिलेक्ट करके एडवांस स्वाइप करने के बाद जो है बैक आके यहाँ पर इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जो है जिस भी फोल्डर के ऊपर अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो सिंपली स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना होगा। अगर आप वैनिला बिल्ड को फ्लैश करोगे आपको अलग से GApps को फ्लैश करना होगा। अगर आप GApps बिल्ड को फ्लैश करोगे तो आपको अलग से GApps को फ्लैश नहीं करना होगा।
5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगेगा एजरा में आपके डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होने में। तो सिंपली यहाँ पर जो है इंस्टॉल होने के बाद जो यहाँ पर बैक आके यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। अभी फिलहाल जो पहला बूट होने वाला है फास्ट बूट में लगभग जो यहाँ पर 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर रॉम इंस्टॉल होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, प्लस यहाँ पर जो फास्ट बूट होने में भी लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है फास्ट बूट होने के बाद सिंपली रॉम के यहाँ पर जो है सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप कोई भी कस्टम रॉम को फ्लैश कर सकते हो रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर। ना उसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा ट्यूपाई के बारे में। यहाँ पर एडोवेस 12.1 के साथ जो है कैमरा ट्यूपाई इनेबल है। यहाँ पर जीकैम काम करते हैं, गूगल कैमरा भी काम कर जाएगा। यहाँ पर कैमरा ट्यूपाई के ऊपर लेवल 3 का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जीकैम काम करके प्लस हमने यहाँ पर जो है जीकैम गो भी काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, वीडियो, यहाँ पर नाइट मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर HDR मोड का जो ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर नाइट मोड, HDR, इनर्स मोड, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। सेफ सेल्फी सेल्फी वो हमने यहाँ पर जो है जीकैम गो के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस के साथ जो है गूगल कैमरा गो को ऐड किया गया है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इस के साथ जो है जीकैम गो अवेलेबल है, तो आपको बाय डिफॉल्ट जीकैम गो देने को मिल जाएगा। ना उसके बाद बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ पर एडोवेस 12.1 के साथ जो है क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, जो एनएस नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, यहाँ पर एडोवेस के साथ जो है काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिलता है। यहाँ पर बैटरी चार्जिंग लाइट का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है रेविनोट 7 डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल के ऊपर जो है इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। तो ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो लगभग 7 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 7 आवर के आसपास जो है यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिलता है एडोवेस 12.1 के साथ। डिपेंड करते आप कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप इस रॉम के साथ जो है काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिलता है इस रॉम के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड डिपेंड करेगा आप कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो। साउंड के ऊपर जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट का जो साउंड है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट साउंड, इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शन, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है वॉल्यूम पैनल को यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो करने के लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर टच वाइब्रेशन, टच साउंड का ऑप्शन है, प्लस चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर स्क्रीन लॉकिंग साउंड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इससे भी ऑप्शन अवेलेबल है साउंड के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर एडोवेस 12.1 के साथ यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड यहाँ पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इश्यू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस प्लस लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इश्यू देने को नहीं मिलता है, प्लस यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम करता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर रैपल एनिमेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इस भी ऐड किया गया है। प्लस डबल टैप टू स्लीप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एडोवेस के साथ जो है डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, नाइट लाइट मोड भी काम करता है। यहाँ पर डार्क मोड काम करेगा, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम करता है। एडोवेस 12.1 के साथ जो है डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर जो है डबल टैप करते ही डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है रेविनोट 7 डिवाइस के साथ काम कट जाएगा। प्लस यहाँ पर सरस भर आइटम्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, सरस भर के ऊपर कौन कौन सी आइकॉन को शो करना चाहते हो इसके लिए जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है रेविनोट 7 डिवाइस के साथ। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के बारे में, तो यहाँ पर एडोवेस 12.1 के साथ जो है वॉलपेपर कलर प्लस बेसिक कलर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। मॉडर्न यूआई का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। वॉलपेपर बेस थीमिंग सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर थीम आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ऐप ग्रिड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन है, एंड यहाँ पर सिस्टम आइकन पैक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है वॉलपेपर एंड स्टाइल के ऊपर। एक्सेसिबिलिटी सीनेस के ऊपर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है रेविनोट 7 डिवाइस के साथ, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। डार्क मोड का जो ऑप्शन से इसे भी ऐड किया गया है। वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन है, टच फीडबैक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सीरीज के साथ जब नया नया फीचर्स को इनेबल कर सकते हो, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, सिंपली उस वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देखो। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर एडोवेस 12.1 के साथ जो है फेस अनलॉक प्लस
ऐप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। एंड ये जो बिल्ड है तो इंक्रिप्टेड बिल्ड है, तो यहाँ पर इस रोम को फ्लैश कनेक्ट है हमको सिंपली क्लीन फ्लैश करना होगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करें, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। यहाँ पर रैपल एनिमेशन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। रैपल एनिमेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है बहुत ही फास्ट, हमारे जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहे थे, यहाँ पर बहुत ही फास्ट हमारे जो फोन यहाँ पर अनलॉक हो पा रहा है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं प्राइवेसी के बारे में, एंड्रॉइड 12.1 के साथ जो है प्राइवेसी को इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस का ऑप्शन है। यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कौन कौन से एप्लीकेशन जो है कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन का एक्सेस पूछ रहा था, प्लस यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर जो है ओटी अपडेट के लिए जो अपडेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर ओटी अपडेट को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर ओटी अपडेट इंस्टॉल करने के लिए ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें गेस्चर्स के बारे में, तो यहाँ पर गेस्चर्स के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन से यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन से काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिंपली ये जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो यहाँ पर पावर बटन को डबल प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन को डबल प्रेस करके कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए ये जो ऑप्शन से काफी बढ़िया है। अगर आप जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो, सिंपली आप जो है पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। इसे भी ऐड किया गया है, क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड्रॉइड 12.1 के साथ। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है टू बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, पर गेस्चर्स नेविगेशन प्लस थ्री बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर एडोवेस के साथ जो है टू बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, प्लस वन हैंडेड मोड को भी ऐड किया गया है। वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करने के बाद जो नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके वन हैंडेड मोड को एनेबल कर सकते हो। प्लस पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप सिंपली वन हैंडेड मोड को यूज करके नोटिफिकेशन को शो कर सकते हो। वन हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देखो। यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन के साथ जो है असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन को होल्ड करके असिस्टेंट को एनेबल करने के लिए ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद आप सिंपली गेस्चर्स की यूज करके स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर टॉगल टॉर्च का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, अगर आप जल्दी से फ्लैशलाइट को एनेबल करना चाहते हो ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस ऑप्शन के साथ सिंपली यहाँ पर डबल प्रेस करके पावर बटन को एंड लॉन्ग प्रेस करके पावर बटन को जो टॉर्च लाइट है एनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पर सिंपली लॉन्ग प्रेस पावर बटन का जो ऑप्शन से सिलेक्ट करते हो, उसके बाद जो है यहाँ पर पावर बटन को सिंपली लॉन्ग प्रेस करके फ्लैशलाइट को एनेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन से काफी ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है, अगर आप जल्दी से फ्लैशलाइट को एनेबल करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। नेक्स्ट पर जो है एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर इस सॉन्ग के साथ जो है बाय डिफॉल्ट एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन से एनेबल नहीं है, आपको अलग से एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एडवांस के साथ। आप सिंपली यहाँ पर पावर बटन में टैप करके रीस्टार्ट में टैप करके रिकवरी एंड बूटलोडर को बूट कर पाओगे। तो पर एडवांस रिबूट का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर डबल टैप टू स्लिप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। ये जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो है पर डबल टैप टू स्लिप ऑन सर्च बार का जो ऑप्शन से, तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सर्च बार में डबल टैप करते आपका जो फोन है स्लिप मोड में चला जाएगा। प्लस यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद आप सिंपली वॉल्यूम किसके साथ गानों को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, प्लस वॉल्यूम वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली ये जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर वॉल्यूम किसके साथ फोन को वेकअप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर एडोवेस का 12.1 का ऑफिशियल बिल्ड है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। कुछ इसी तरह से एडोवेस के साथ जो है सभी फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पर बेंचमार्किंग, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, प्लस एडोवेस को किस तरह से रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, इसके बारे में ये वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवाइस का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। वहां पर जाके एडवाइस को डाउनलोड करके आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस को ट्राई करके देखो। रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके जो है अलग अलग कस्टम रोम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।